एमसीबी जिले के अंतर्गत चिरमिरी क्षेत्र हल्दीबाड़ी के हृदय स्थल पर मौजूद है। 1966 से ही पेट्रोल पंप की शुरुआत हुई जो इंडियन ऑयल के नाम से है, और 2021 तक ये जनता की सेवा के क्षेत्र में सबसे पहला पेट्रोल पंप है। कोरोना काल में भी ये जनता की बहुत सेवा की गई, पर 2021 के बाद ये पेट्रोल पंप में ताला क्यों लग गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सूत्रों से पता चलता है कि राजनीति और बिजनेसमैन का शिकार हो गया ये पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप की शुद्धता के बारे में पूरा क्षेत्र जानता है। चंदेरी क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ काला सोना निकलता है, और काफ़ी लंबे समय से ये पेट्रोल पंप लोगों की सेवा कर रहा है, फिर अचानक ही 2021 में क्यों बंद कर दिया गया? इस पेट्रोल पंप को इतने लंबे समय होने के बाद ताला क्यों पड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। News 21 के माध्यम से खबर दिखाई जा रही है, चिरमिरी क्षेत्र के मुख्य स्थान में एक है हल्दीबाड़ी, जिसके हृदय पर बसा हुआ है ये पेट्रोल पंप। आज जनता शुद्धता का पहचान बताती है। नहर राय जी ने इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया, उन्होंने हमेशा शुद्ध पेट्रोल डीजल बिक्री की, कभी कोई इस पर संदेह नहीं उठाया। इस पेट्रोल पंप के बंद हो जाने पर कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए। जी, मेरा नाम विद्युत नाहराय है, मैं मेन ब्रांसन्स पेट्रोल का संचालन करता हूँ। हम लोग का पेट्रोल पंप 1966 से संचालित है। तेल के शुद्धता के मामले में लोगों के, ग्राहकों के कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। हमारे पेट्रोल पंप सुचारू रूप से संचालित हो रहा था, लेकिन कुछ सरकारी नियमों के फेर बदल के चलते और कुछ विकृत मानसिकता के लोगों के चलते ये पेट्रोल पंप में संचालन में बाधित हुआ, संचालन करने में बाधित हुआ हुए हम लोग परेशान हुए। और फिर उसके बाद अभी हम लोग उस अभी सब ठीक हो गया है, बाकी के कागजात वगैरह सही हो गए हैं। कितना दिन हो गया दादा बंद हुए? बंद हुए करीब 18 महीने करीब हो गया है बंद हुए। तो चालू होने के कुछ संकेत मिले? संकेत कुछ मिले, हम लोग कागज़ जो है उस सही हो गया है, और हमारा हम लोग बहुत जल्दी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। बहुत जल्दी सेवा प्रारंभ होगा पेट्रोल पंप का।